आज हम 11th फिजिक्स का एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अंकों का पूर्णांकन करना। यानी कि किसी भी अंक को एक निश्चित सार्थक अंक तक हम लेके जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं अंकों का पूर्णांकन। इससे पहले हमने सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा था, और अब जो हम करेंगे वो करेंगे अंकों का पूर्णांकन। एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना किस प्रकार से है अंकों का पूर्णांकन करना। किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तन करने के लिए समीपता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पूर्णांकन। और इस पूर्णांकन करने के हमारे पास में कुछ नियम होते हैं, उन्हें नियमों के आधार पर हम संख्याओं को पूर्णांकन कर सकते हैं। कोई भी संख्या अगर दी हो उसको हम पूर्णांकित कर सकते हैं। तो उसके लिए इसमें यहाँ पर नियम हैं, उस नियमों के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें जो पहला नियम है वो दिया हुआ कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगला अंक 5 से कम है, तब पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। ये कंडीशन अगर लागू हो रही है तो देखना हम किस प्रकार से उस संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि ये याद रखना है कि जिस अंक को हम पूर्णांकित करेंगे, यदि उससे अगला अंक 5 से कम है, तब जिस संख्या को हमें पूर्णांकित करना है उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया है 6.74, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है, और हमें इस संख्या 7 को पूर्णांकित करना है। तो उसके लिए देखना आपको ये नियम पढ़ना पड़ेगा कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगला अंक 5 से कम है, तो हमें 7 को पूर्णांकित करना है, और उससे अगला अंक देख लेना है कौन सा, 4, जो 5 से कम है। तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं, तब जो पूर्णांकित किया हुआ जो अंक आएगा वो आएगा अपने पास 6.7 है। आपको ये देख लेना है कि 5 से अगर कम हो रहा है, तब जो 7 के अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे कि अपने पास है 1.42, हमें इस 4 को पूर्णांकित करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि 4 के आगे वाला अक्षर क्या है। तो 4 के जो आगे है वो लिखा हुआ है 2, जो 5 से कम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को हम अपरिवर्तित रहने देते हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंज है वो नहीं किया जाता। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 6.93, 6.93 हमें 9 को पूर्णांकित करना है, तो उसे अगला अंक आपको देखना है 5 से कम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अक्षर को हम अपरिवर्तित रहने देते हैं, तो ये अपने पास जो पूर्णांकन आएगा इसका वो आएगा 6.9। इस प्रकार से इस नियम की सहायता से हम इस प्रकार की संख्याओं को जिससे अगला अंक 5 से कम है उसको हम पूर्णांकित कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका 1.64, इसमें भी हमें 6 को पूर्णांकित करना है, उसे अगला अंक देख लेना है 5 से कम है, तो पूर्णांकित करने वाले अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.6। ये इसका पहला नियम है जो आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगला अंक 5 से कम है, तब पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। तो आप देख लेना, इस कंडीशन में 7 को पूर्णांकित करना है, तो उसे अगला अंक आपको देखना है कि 5 से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 से कम है तो पूर्णांकित वाले अक्षरों में कुछ भी परिवर्तन है वो नहीं किया जाता। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हमने लिया है, 5 से कम है तो 6.9, 2 को है जो 5 से कम है तो 1.4, ये 6 और 4, 4 6 के आगे है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर आएगा 1.6। दूसरे नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। ये नियम आपको शायद अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जिस अंक यदि अंक 5 से अधिक है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन है, दूसरा नियम वो है कि अगर अंक 5 से अधिक है, तब हम पूर्णांकित करने वाले अक्षर में एक जोड़ देंगे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं इसका 1.67, 1.67 इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो आप देखना कि 6 को हमें पूर्णांकित करना है,
और उससे अगला अंक क्या है? सात है, जो पाँच से अधिक है। तब हम पूर्णांकित करने वाले अक्षर में एक जोड़ देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? एक पॉइंट। इसमें एक जोड़ देना है, एक पॉइंट सात हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि अपने पास ये है 6.49। तो ये जो चार को हमें पूर्णांकन करना है और उससे अगला अंक क्या है? नौ है, जो किससे अधिक है? पाँच से अधिक है। तब हम पूर्णांकित करने वाले अक्षर में एक जोड़ देंगे, इस चार में हमें क्या करना है? एक जोड़ देना है, तो जो हो जाएगा 6.5। या फिर और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, आपको नियम है वो क्लियर होना चाहिए लेकिन अच्छे तरीके से। 1.68 इसमें हमने एग्जांपल ले लिया है, हमें 6 को पूर्णांकन करना है तो उससे अगला अंक आपको देखना पड़ेगा। अगर उससे अगला अंक 5 से अधिक है तब हम पूर्णांकन करने वाले अक्षर में एक जोड़ देंगे, तो 1.6 का कितना हो जाएगा अपने पास? 1.7 हो जाएगा। ये अपना सेकंड रूल है, ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अगर 5 से कम है तब तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 5 से ज़्यादा है तब पूर्णांकित करने वाले अक्षर में हम एक जोड़ देंगे। अब तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें 12.35 और 4, यह हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। देखना, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, हमें पूर्णांकित करना है 3 को, उसके बाद आने वाला अंक 5 है, उसके बाद आने वाला अंक देख सकते हो 5 ही है, एवं 5 के पश्चात, 5 के पश्चात शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है, तो इसमें शून्य नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा अंक 4 आ रहा है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। तो इस 3 में हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे, तो अपने आंसर कितना आएगा इसका? 12.4 आएगा। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कि है अपने पास 1.65 और 2, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, 6 को पूर्णांकित करना है, उसके बाद आने वाला अंक 5 है, उसके बाद आने वाला अंक 5 है, 5 के पश्चात शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है, शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पूर्णांकित करने वाले अक्षर में एक जोड़ दिया जाता है, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, 1.6 की जगह कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1.7। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि ये अपने पास है 24.358, ये एग्जाम्पल है, हमें 3 को पूर्णांकित करना है, उससे बाद आने वाला अंक 5 है और 5 के पश्चात शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक आना चाहिए, तो देखना कोई भी दूसरा अंक 0 नहीं है, तो यहाँ पर कितना है? 8 है, तो इसमें पूर्णांकित करने वाले अक्षर में हम एक जोड़ देंगे तो अपने पास आंसर आएगा 24.4। इस प्रकार से ये 3 नियम हैं, इसके 2 रूल और हैं वो भी हम पढ़ेंगे। पहला नियम है इसमें, जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उससे अगला अंक 5 से कम है तो पूर्णांकित करने वाले अक्षर में कुछ भी हम नहीं जोड़ते हैं, वो अंक अपरिवर्तित रहता है। ये इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी हमने अच्छे तरीके से समझा है। दूसरा नियम था, यदि अंक 5 से अधिक है तब पूर्णांकित करने वाले अक्षर में हम एक जोड़ देते हैं, जो एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तीसरा रूल था इसका कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उससे बाद आने वाला अंक 5 है और 5 के पश्चात अगर शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक आता है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था 12.354, या फिर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो उसका 36.358, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया है। इसमें आप देख सकते हो हमें 3 को पूर्णांकित करना है, 3 के बाद 5 आना जरूरी है, कंडीशन में अगर 5 आ रहा है और 5 के बाद शून्य के अलावा दूसरा शब्द आ रहा है तो तभी हम इस नियम को लगाएंगे। तो आप देखना 5 आ रहा है और 5 के बाद में शून्य के अलावा कोई दूसरा शब्द है तब पूर्णांकित करने वाले अक्षर में हम इसमें 3 में हम एक जोड़ देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 36.4। अब इसके 2 नियम और हैं वो और हम करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है पहले वो ले लेना। नेक्स्ट नियम है इसमें, 3 नियम हम कर चुके हैं, नेक्स्ट नियम आता है इसमें, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य आता है परंतु
यदि 5 से पूर्व का अंक सम हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल हमने ले लिया है 12.45 और 0। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है और ये एग्जाम्पल देखना इस रूल के हिसाब से सही एग्जाम्पल हमने लिया है। जिस अंक को पूर्णांकित करना उसके बाद वाला अंक, हमें 4 को पूर्णांकित करना है, उसके बाद वाला अंक 5 है, उसके बाद वाला अंक देखना 5 ही है, एवं 5 के पश्चात शून्य आता है, 5 के पश्चात देखना शून्य आया हुआ है, परंतु 5 से पूर्व का अंक सम है तो, और 5 से पहले का अंक देख लेना सम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। तो ये जो अंक है इसको अपरिवर्तित रहने देंगे तो अपने पास जो पूर्णांकन का जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 12.4 आएगा। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल लेते हैं 3.250। देख लेना 5 है, 5 के बाद में 0, 5 से पहले सम, तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले लो चाहे इसका 36.850। पूर्णांकन 8 को करना है, 8 के बाद में 5 है और 5 के बाद में 0 है और 5 से पहले देखना सम संख्या है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अक्षर को हम अपरिवर्तित रहने देते हैं, तो 36.8 इसका फाइनली आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.650। 5 के बाद में 0 है, 5 से पहले का अंक सम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अक्षर को हम अपरिवर्तित रहने देते हैं, तो 4.6 इसका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले लो चाहे जैसे कि 42.450। तो आप देखना 5 के बाद में 0 है, 5 से पहले सम संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 42.4। पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं, यानी कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य आता है, परंतु यदि 5 से पहले का अंक सम हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में अपरिवर्तित रहने देते हैं। नेक्स्ट नियम है इसका, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य है, परंतु 5 से पहले का अंक विषम हो तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे हमने ले लिया है 48.350। तो देखना ये 5 है और 5 के बाद में 0 आ रहा है और 5 से पहले का अंक विषम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में हम 1 जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48. इस 3 में 1 जोड़ देंगे, 48. कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट नियम है इसका 39.150। ये एग्जाम्पल हमने लिया है, 5 से पहले विषम है, 5 के बाद में 0 है, तो पूर्णांकित करने वाले अक्षर में हम 1 जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा 39.2। और एग्जाम्पल ले लो इसका 5 के बाद में 0 आ रहा है, 5 से पहले का अंक विषम है, तो पूर्णांकित करने वाले अक्षर में हम 1 जोड़ देंगे, 38. कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एग्जाम्पल 5 है, 5 के बाद में 0, 0 से पहले विषम है 9, पूर्णांकित करने वाले अक्षर में हम कितना करेंगे, 1 जोड़ देते हैं, या फिर 37.3 विषम संख्या है और 5 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.4। इस प्रकार से अपना टॉपिक था अंकों का पूर्णांकन करना, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके 5 नियम थे, इन 5 नियमों को आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, इन 5 नियमों की सहायता से हम अंकों को सही प्रकार से पूर्णांकित कर सकते हैं।